हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग हो जाइए रेडी, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं, हितेश मिश्रा, और उम्मीद करते हैं कि आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही होगी, सब कुछ टनाटन होगा। और सबसे पहले तो ये बात कि जो भाई बहन अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ जाएं। रीजनिंग बाय हितेश सर, रीजनिंग बाय हितेश सर, क्योंकि आपको सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ हम यही देते हैं, रीजनिंग बाय हितेश सर। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि रीजनिंग बाय हितेश सर पे जुड़ जाना। दूसरी बात कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको हम बता दें कि आपके लिए 8 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम सिर्फ काउंटिंग ऑफ फिगर और मैट्रिक्स पढ़ाए हैं। कल जो है कैलेंडर क्लॉक होने वाला है, 10 मई को संडे को कल कैलेंडर क्लॉक होने वाला है। टाइमिंग इसकी 12 से 1 है। और डाउट सेशन होने वाला है परसों, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर ब्लड रिलेशन और फिर मिसिंग नंबर। 15 तारीख से दोबारा बैच शुरू कर रहे हैं, नया बैच, जिसमें कि हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और ये कब तक चलेगा? जून तक। तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बता दें आपको, इनमें से कोई भी सपना है, इनमें से CGL सपना है, CHSL सपना है, CPO सपना है, स्टेनो सपना है, MTS या JEE, तो आपको यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर, GS, ये सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैथ तो मान लो रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैथ्स यहाँ के टॉप एडुकेटर, इंग्लिश यहाँ के टॉप एडुकेटर, GK यहाँ के टॉप एडुकेटर, करंट अफेयर यहाँ के टॉप एडुकेटर, GS यहाँ के टॉप एडुकेटर पढ़ाएंगे। और ये सब आपको फायदा मिल सकता है कैसे? हितेश वंजीरो के साथ। कैसे? हितेश वंजीरो के साथ। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका सपना है CGL, CHSL, JEE, स्टेनो या कुछ भी क्रैक करने का, एक साल के लिए आप जुड़ सकते हैं मात्र कितने में? 5400 में। 2 साल के लिए जुड़ सकते हैं मात्र कितने में? 6480 में। 1 साल के लिए 5400 में और 2 साल के लिए मात्र 6480 रुपए में। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। रोज सुबह में यह सेशन होता है अपना 9 से 10, लेकिन आज मेरा 8 से 9 भी था, जिसमें GK पढ़ाए थे हम, और कल भी सुबह में 8 से 9 क्लास होगा जिसमें GK पढ़ाएंगे हम। तो टोटल 8 से 10 आपका सेशन हो रहा है अनअकैडमी पर फ्री। तो आप वहां पर जाकर सर्च कर लीजिएगा हितेश मिश्रा, आप यहां पर जाके सर्च कर लीजिएगा हितेश मिश्रा और अनअकैडमी पर डेली आनंद लीजिए क्लास का, सुबह 8 से 10। कल भी क्लास है 8 से 10, आज भी क्लास था 8 से 10। सिलॉक्स पूरा पढ़ा चुके हैं वहां पे, तो सिलॉजम का कॉन्सेप्ट अगर जानना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है, तो जाइए पूरा स्पेशल क्लास में आप पढ़ जाइए, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। GK के लगभग 2000 क्वेश्चन करवा चुके हैं, करंट अफेयर जनवरी से मई तक का करवा चुके हैं, सब कुछ आपको वहां पर हम दे चुके हैं। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग आज हम शुरू करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, और आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम है सब में पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग। इसके लिए आपको याद क्या रखना है? पोजिशन ऑफ लेटर, और दूसरा याद क्या रखना है? अपोजिट ऑफ लेटर। पोजीशन ऑफ लेटर और अपोजिट ऑफ लेटर, ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों आपको कंप्लीट याद रखना है। अगर ये दोनों याद रहा तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये आपको याद रखना है एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है? इसका हम ट्रिक भी बता चुके हैं अनअकैडमी पर, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का प्रश्न, और धुआंधार ट्रिक के साथ इसको सीखते हैं कि एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे चुटकियों में इसको मसल सकते हैं। एकदम 1 घंटा हितेश सर को दे दीजिए, और 1 घंटे के बाद जब आप यहां से जाएंगे, पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग है आपके दिमाग में घुस जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सारे भाई बहन को नमस्कार। तो यहां पर अगर हम देखें, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, तो डी का उल्टा जी, आई का उल्टा आर और पी का उल्टा ए, तो जी आर के आपका राइट आंसर हो गया, जर्क। जी आर के आपका राइट आंसर हो गया, क्लियर है? कौनो दिक्कत नहीं, कौनो परेशानी नहीं। तो पहला चीज कि हमें एग्जाम में अपोजिट पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपोजिट कंठस्थ होना जरूरी है। दूसरे पे आइए, दूसरे पे आइए, दूसरा जो प्रश्न है बाबू, इसका जरा देखें क्या होगा। दूसरा जो प्रश्न है, जरा इसको देखिए,
कैसे कर पाएंगे आप? बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, जस्ट डू इट। इसका आंसर बताओ ब्रदर, क्या लग रहा है? ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, जरा इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, कैसे कर पाएंगे आप, क्या हो सकता है राइट आंसर? बच्चे बहुत कम है, मैंने सोचा था कि कम से कम 2000, 3000, 4000 बच्चा आएगा और मात्र 200 आया। इसको 2000 में कन्वर्ट करवाने की जिम्मेवारी आप सबों की है, ठीक है? तुम जो यूं मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? पान दुकान से आए जी, कहीं नहीं निकलो, कोरोना कहता है घर में रहो, जो बाहर आया वो हमारा है, घर में रहो बउआ, बाहर नहीं बिलबिला, पुल पुल या तालाब पर अभी नहीं जाओ, बाग बगीचा मत देखो, घर में रहो। नाइट, NIGST, इसको लिखा आपने ODDGM, क्या हुआ है? तो यहां देखिए, इसमें 5 घट गया, इसमें 4 घट गया, इसमें 3 घट गया, इसमें 2 घट गया और इसमें 1 घट गया, तो ग्रीन में भी सेम होगा। इसमें अगर आप 5 घटाते हैं ब्रदर, तो 5 घटाने का मतलब क्या, आई से स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ एक है, आगे चेके मत करो ना, IABPF हो गया आंसर। ट्रिक समझ रहे बुआ? अरे ट्रिक समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता है कोनो दिक्कत होगा। एक बार पकड़ लिए तिरछा में कि भैया 5 घटा, 4 घटा, 3 घटा, 2 घटा, 1 घटा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एन से घटाएंगे तो आई आवेगा, और आई जो है सिर्फ और सिर्फ 1 में है, तो अपना आंसर 1 हो गया। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं, कोनो तकलीफ नहीं है ना। अगले में आइए, अगला जो प्रश्न है इसका जरा आंसर बताइए। ये जो प्रश्न है डियर, जरा इसका आंसर बताइए, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आंसर? जबरदस्त प्रदर्शन, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, जियो। क्या बात है, क्या बात है भावना बेटा? अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, एक बार हमारे बैच में जुड़िए, आपको हम टॉपर नहीं बना दिए तो बताइएगा। जीरो टू हीरो, रीजनिंग के आर से लेके जी तक का सफर, रीजनिंग में बेसिक से लेके एडवांस तक का सफर, मास्टर बना देंगे मास्टर, कि इतना जबरदस्त कि रीजनिंग का कोई भी पेपर कहीं भी किसी भी एग्जाम में टॉप करोगे, टॉप। तो यहां देखो, फोन, PHONE, QJRR, का हो गया 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ा 4 बढ़ा 5 बढ़ा, इस तरह से ये बढ़ते गया, सब में प्लस हुआ है, तो सेम टू सेम इसमें करोगे 1, तो PQ ये खत्म, A के बाद B के बाद C सब में है, 7 3 10, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आंसर कुल मिलाकर क्या हो गया, QCJIW है ना। तो आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, A के साथ चला गया, किसके साथ चला गया, A के साथ चला गया, A आपका राइट आंसर है, A आपका राइट आंसर है। और आपको बता दें, 6 PM संडे कल नंबर सीरीज खत्म करने वाले हैं, कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर सीरीज का, ऐसा ऐसा प्रश्न कि एग्जाम में तो आप ऐसे मसल दीजिएगा। कल भी लाइव आना है 6 बजे संडे को हितेश सर के साथ, और 1 घंटा देना है जिंदगी का रीजनिंग में किंग बनने के लिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर बताओ बाबू, क्या लग रहा है? अगला जो प्रश्न है वो हुआ, इसका जरा आंसर बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। प्रियंका राज बेटा, तुम पहले भी बोल चुके हो ये बात, और मैंने भी बोला है कि एक बार कॉन्सेप्ट वाला बैच कीजिए, एक वाला कॉन्सेप्ट वाला बैच कीजिए। सुहानी मिश्रा जी, कोई भी दिक्कत है हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लो, उस पर आप पूछ लेना कि सर कैसे जुड़ना है, हम बता देंगे। 8804-815-515, 8804-815-515, आपको वहां पर खाली पूछना है कि सर जुड़े कैसे, फोन नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है कि सर कैसे जुड़ना है बताइए, हम बता देंगे आपको। बैच ले लीजिए, पैसा आते जाते रहेगा, समय आते जाते नहीं रहेगा, सारा सब्जेक्ट का बैच स्टार्ट हुआ है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, सर्च। देखो, चेयर और रोज से मिलके बना है, और प्रीच से मिलके बना है, तो एस का जो कोड है वो 6 है,
नहीं, एस का जो कोड है वो दो है और ई का जो कोड है वो आप क्या देख रहे हैं, वन है, तो दो के साथ वन होना चाहिए, ये खत्म। अब ए जो है, ए का कोड चार है, ए का कोड चार है, तो दो एक के बाद चार आएगा, ये भी खत्म। और अब सात छः तीन आएगा कि छः सात तीन, आर का कोड क्या है, तो छः है, तो ये भी खत्म। तो बी आपका आंसर हो गया, बी फॉर बॉम्बे। इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी बच्चे आए हैं 225, 15 का स्क्वायर। भैया एहसान करो, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन को लेके आओ ताकि मज़ा आ जावे, ताकि मज़ा आ जावे, ठीक है, ताकि मज़ा आ जावे। अगले में आइए, इसका आंसर बताओ बाबू क्या लग रहा है, इसका जो आंसर है वो बताओ क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ध्यान से और आराम से। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या लग रहा है, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे कह रहे हैं सर प्लस टू होते जाएगा। देखो फोन, PHONE, इसको क्या लिखा है इसने, GPQJR, PQRHIJOPQNOPIEFG। तो स्टैंप की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, STU। अब देखो अंत में U खाली D में, अंत में U खाली D में, और ये तीनों अपने आप कैंसिल हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, रहेगा नहीं रीजनिंग में किसी प्रश्न में खतरा, क्योंकि आपके साथ हूँ मैं हितेश मिश्रा, ठीक है, टेंशन फ्री रहो भैया। बार बार कह रहा हूँ, नौकरी दिलवाएंगे, 100% दिलवाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, बस भरोसा करने की बात है, एक बार अनअकैडमी पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात है, ठीक है। इसको देखिए आप, ये जो है जरा इसका आंसर बताइए, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, जितने भी भाई बहन यहां देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रश्न, क्या लग रहा है जरा समझाइए, क्या हो सकता है राइट आंसर। नीतीश कुमार शर्मा, बार बार एक ही कमेंट नहीं करो बउआ, ठीक है। देखो यहां पर PEN, इसको लिखा आपने QFO, तो PQEFNO, CAT, तो ये हो जाएगा CDAB और TU, तो DBU आपका आंसर हो गया। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फीस बता दीजिए, 3 महीने का फीस, अगर आप हितेश 10 लगा दोगे तो हम कोड बता रहे हैं, अगर आप हितेश 10 लगा दोगे तो हम उसके बाद का बता रहे हैं कि हितेश 10 लगाने के बाद आपका जो है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हितेश 10 लगाने के बाद 3 महीने का 2700, 6 महीने का 4320, 12 महीने का 5400 और 2 ईयर का कितने का है, 6480 का। तो अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है तो 2 साल का लीजिए, अगर 1 साल से तैयारी कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो 1 साल का लीजिए, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, मात्र 1080 का अंतर है। तो अगर आप जुड़ते हैं हितेश 10 के साथ तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, जितने भी एडुकेटर हैं वाईफाई स्टडी के, सबकी क्लास मिलेगी, सबकी क्लास मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने डियर, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, इसका आंसर बताओ बउआ क्या लग रहा है। और अपने स्तर पर जितने भी आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं, जितने भी आपके भाई बहन पढ़ने वाले हैं, सबको बुलाइए, सबको दिखाइए कि क्लास जो क्या टनाटन चल रहा है, उनको भी लगना चाहिए कि रीजनिंग में कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जियो। इसका आंसर बताओ बाबू, ये जो प्रश्न है इसका आंसर बताइए, और एक से एक ट्रिक बताएंगे अभी। इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है,
आशीष जी, अगर आपके पास HDFC का EMI कार्ड है, मतलब HDFC का कार्ड है, तो EMI भी ले सकते हैं। सोलफुल, सोलफुल इसको क्या लिख रहा है, ORI फिर से आई XLV। हुआ क्या देखो, हुआ क्या देखो, यहां पर ध्यान देना कि हुआ क्या है। ये हुआ ऐसे 15 3 18, 3 जुड़ा है फिर 3 घट गया, फिर यहां पर 3 जुड़ा है फिर 3 घट गया, फिर 3 जुड़ा है फिर 3 घट गया, और फिर लास्ट में 3 जुड़ा है, मतलब +3 और -3 इस तरह से चल रहा है क्रॉस। तो इसी में अगर हमें पूछा जाए टाइडल का TIADL, तो यहां पर 3 जुड़ेगा तो O से स्टार्ट होगा, मतलब ये खत्म ये खत्म ये भी खत्म, तो आंसर एक बार में सी हो गया ना जी, OXGFW। अब नया बच्चा क्या करेगा, जो हमसे नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, पूरा निकालेगा। तुम लोग हमसे पढ़े हो, क्या करोगे, तुरंत देखा आंसर कर दिया। तो सोचो एग्जाम में जो हमारा 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है, तो उसको आग लगाने के लिए ट्रिक चाहिए ना जी। अब हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तभी काम आएगा, क्योंकि 2016 में CGL का कट ऑफ 137 था, 2017 में 148 हो गया, 2018-19 वाला जो है 170 हो चुका है। तो अगर आपका लेवल इस तरह से हाई नहीं जाएगा ऊपर, तो फिर आप कैसे कंपटीशन में टिक पाओगे। तो कंपटीशन में अगर टिकना है तो कंप्लीट कोर्स कीजिए, कंप्लीट कोर्स करना है अनअकैडमी पर आइए हितेश 10 लगा के, और सारे सब्जेक्ट पढ़िए। कोई क्वेरी हो, आपका भाई बैठा है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8804-815-515, 8804-815-515, उस पर आप क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। फोन नहीं करिएगा, मतलब बस व्हाट्सएप करिएगा। आइए अगले प्रश्न में आइए, अगले प्रश्न में आइए। और देखो फ्री में बहुत सारा देता हूँ, फ्री में आपको सैटरडे संडे भी क्लास ले रहा हूँ, अन अकेडमी पर सुबह 8 से 9 भी पढ़ा रहा हूँ, GK 9 से 10 मैंने रीजनिंग भी पढ़ाई है आज। तो कहने का मतलब है फ्री में सारा दे रहा हूँ। एक बैच बस पेड रखा है 12 से 1, और उसमें मैं पूरा जान लगाता हूँ। पूरा जान का मतलब ये गारंटी है कि ना वो क्वेश्चन किसी बुक में मिलेगा, ना किसी फैकल्टी के द्वारा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं हितेश मिश्रा वो क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ और वो आपको मिल रहा है, ठीक है, और वो आपको मिल रहा है। तो इसको अगर हम देखें, ये क्या हुआ, रॉक ROCK, इसको लिखा SQFO, तो हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, ये भी जानने वाली बात है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें +1 फिर +2 +3 +4। तो सेम टू सेम अगर लेट की बात करें तो यहाँ पर +1 LM हो जाएगा, M से बस एक ही स्टार्ट है, MCWI आपका आंसर हो गया। आगे चेक ही मत करो ना, आगे चेक ही मत करो ना, उससे कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, चेक ही मत करो, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात है, अभी तो शुरुआत है, अभी लंबा चलने वाला है क्लास, खाली अंत तक टिके रहो, अंत तक टिके रहो, आग लगेगा आग। और कल, कल संडे 6 PM पर आपके लिए क्या है, आपके लिए है नंबर सीरीज, और पूरा का पूरा नंबर सीरीज निचोड़ के खत्म कर देंगे, एकदम निचोड़ के। आइए अगले प्रश्न में, इसका आंसर बताओ बाबू क्या लग रहा है, इसका आंसर बताओ क्या लग रहा है। जबरदस्त प्रदर्शन, अद्भुत, अद्वितीय, बिल्कुल नियति, नियति द्विवेदी जी, 7 बजे तक आप हमारे साथ रहिए, टेंशन नहीं लेना है, कहीं जाने नहीं देंगे, ठीक बा। मेहनत देखो लगातार हम कर रहे हैं आपके साथ। तो यहां पर अगर हम देखें हुआ क्या है, TIRED टायर्ड। एक बच्चा आज हमें मिला पेड में, बहुत हताश होके आया है, एडमिशन लिया है उसने, बोला सर मेरी उम्र जो है 29 वर्ष हो चुकी है, पहले आप क्यों नहीं मिले, मिलते तो पक्का नौकरी ले लेते। ये जज्बा हम जगाते हैं जब बच्चा हमारे सामने आता है, ये जज्बा हम उनके अंदर पैदा करते हैं कि नौकरी तुम ले सकते हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बस तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिला,
और ये सही गाइडेंस कहाँ मिलेगा, जब आप क्लास करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो 20, 9, 18, 5 और 4, तो ये 29 और 18 कितना हो जाएगा, 29 और 20 करते तो हमारा 49 हो जाता, 2 कम कर दो 47, 47, 5, 52 और 4, 56, लेकिन लिखा कितना है 54, इसका मतलब 2 घटा दिया। ब्रेन को भी चेक करते हैं, जो कि कुछ लोगों पे पास होता है कुछ लोगों के पास नहीं होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सबको अगर हम जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाएगा, 14 और 9, 23, 1, 24 और 2, 26 और 18, कितना हो जाएगा 44, 44 में से 2 करो तो 42 लिखा है, तो बचा कितना, तो लेजी, LAZY, लेजी मत होना जिंदगी में कभी। मैं अपनी बात बताऊं, कल मैं 1 बजे रात में सोया, सुबह 5 बजे उठा, 8 से 10 मैंने बच्चों को पढ़ाया, फिर 12 से 1+ पढ़ाया, उसके बाद और भी कुछ काम था, फिर मैं अभी आपको 5 से 7 पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे और भी क्लासेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को पीछे कभी मत लाओ, हमेशा आगे जाने का कोशिश करो, नदी बनो, नदी, नदी देखो हमेशा बढ़ते रहता है, कोई रोकता है इसको, बगल से रास्ता निकालता है ऐसे, तो सो बी लाइक रिवर, यू डोंट हैव टू गो बैक, यू हैव टू गो फर्दर, आपको हमेशा आगे बढ़ना है, यू हैव टू गो अहेड, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, रास्ता बनेगा, आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर 12, 1, 26 और 25, तो 51, 51 और 12, 64, और इसमें से 2 कम कर दोगे कितना हो जाएगा 62, आपका आंसर 62 हो गया। क्लियर है, कौनो दिक्कत नहीं, कौनो परेशानी नहीं, कौनो तकलीफ नहीं, चीजें चकाचक हैं, एकदम टनाटन है। अगले प्रश्न में आइए, इस प्रश्न को देखो बाबू, इस प्रश्न को देखो, तुम थोड़ा साथ दो, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा साथ दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चा लेके आओ क्लास में, तो वो आग लगेगा, वो आग लगेगा कि कोई रोक ही नहीं सकता है आपको नौकरी लेने से। ठीक है ना, ये हमको भरोसा है, और जब हम अपने आप पे भरोसा किए हैं तो हम आपके अंदर भी वो भरोसा डाल देंगे, आपको सही इंसान बनाएंगे। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपके अंदर वो ऊर्जा भरना है, आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पैसे से आपके घर में चूल्हा जले, आप नौकरी लें, अपने घर में आप हर खुशी प्रदान करें, छोटे भाई बहन को मोबाइल गिफ्ट करें, माँ पिताजी को गाड़ी गिफ्ट करें, अपने आप की जो खुशियां हैं वो प्राप्त करें, और ये कैसे होगा, नौकरी से होगा। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, तो बच्चे कह रहे हैं सर इसका आंसर तो आसान है, इसका आंसर तो आसान है, कैसे, तो डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है, बिल्कुल सही, QJ FU EV SH TG IR LO MN, तो उसी प्रकार से प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा, पी का के होता है, के से स्टार्ट, ना ये है ना ये है। अब आगे अगर हम देखें तो IR और O का L होता है, तो KIL होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये भी खत्म, तो D आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, न्यू स्टार्ट जो बैच है ज्योति तिवारी, जब तुम पूछ दियो, जब बात तुम छेड़ दियो, तो लो समझो ये बैच स्टार्ट हो चुका है बाबू, 8 मई से काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाए हैं, मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, कल कैलेंडर क्लॉक पढ़ाने वाले हैं, फिर कैलेंडर क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डाउट सेशन, दोबारा फिर 15 से नया बैच ला रहे हैं हम, जिसमें एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, एकदम बहित, बहुत ही जमीनी तरीके से जुड़ के पढ़ाने वाले हैं, और ये बैच 23 जून तक चलेगा। ध्यान रखिए, अगर आपका इसमें कोई भी सपना है तो वो हम आपका क्लियर करवाएंगे, फीस मिनिमम है बिल्कुल, अगर आप हितेश 10 लगा के जुड़ते हैं 12 महीने के लिए तो मात्र 5400, अगर आप जुड़ते हैं 24 महीने के लिए तो मात्र 6480, और इसमें आपको सब सब्जेक्ट मिल रहा है, सारे क्लासेस मिल रहे हैं, सारे फैकल्टी मिल रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8804-815-515 पे, 8804-815-515 पे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने, अगला जो प्रश्न है डियर ये रहा, इसका आंसर बता दो क्या लग रहा है, शानदार, जानदार, इसका आंसर बता ब्रदर। क्या लग रहा है आपको, एबल, बिंगो और बैंगल को पूछा गया, तो इसमें हुआ क्या है, सिंपल, प्लेस जो है उसी के थ्रू आंसर आ गया, प्लेस के थ्रू ही आंसर आ गया। जैसे यहां पर आप देखो बी का कोड क्या है, तो बी का कोड 3 है, तो सब में 3 है,
ठीक है, ए का कोड 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और एन का कोड क्या है तो बी आई एन, एन का कोड 1 है तो 3 5 के बाद 1 आना चाहिए, ये भी खत्म। तो आंसर किसके साथ चला गया, डी के साथ, डी के साथ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, चीजें चकाचक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर रोज पढ़ाता हूँ 1:30 से 2 बजे तक आरआरबी, 6 से 6:30 तक एसएससी, अन अकेडमी पर सुबह 8 से 10 पढ़ाता हूँ जिसमें 8 से 9 जीके करंट अफेयर और 9 से 10 रीजनिंग, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं है, सब जगह क्वेश्चन है डियर। ना तो आप इसमें डाउट पूछ पा रहे हैं, ना तो आपको रैंक पता चल रहा है, ना आप वीकली टेस्ट दे पा रहे हैं, ये सभी अन अकेडमी पर होगा अगर आप जुड़ जाएं Hitesh10 लगा के तो। और कट ऑफ जब हाई जा रहा है, मॉक टेस्ट चाहिए ही चाहिए, आपको अपने आप में जानकारी चाहिए ही चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन का क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जबरदस्त प्रदर्शन, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, क्या बात है। 12th का फिजिक्स का जो क्वेश्चन है आपको अगर पढ़ना है ना, अकेडमी पर जाइए, हितेश बंजीरो लगा के मात्र 99 रुपए में, 99 रुपीज में एक महीने के लिए मिल जाएगा। विश्वजीत भूल जी तुम्ही मैसेज पाठिए दो, हमारा नंबर आछे तो तुम्हारे खाने, ठीक आछे, 8804815515, ओखने आमी रिप्लाई दिए देवो तुम्हें के। तो यहां पर अगर हम देखें इसमें हुआ क्या है, देखो मैच MATCH, यह NYWYM हुआ क्या है, इसमें कैसे आंसर आया है, यह देखने वाली बात होगी। तो देखो सबसे पहले इसमें +1 हुआ, इसमें -2 हुआ, इसमें +3 हुआ, इसमें -4 हुआ, इसमें +5 हुआ, सेम टू सेम। प्रिंट का अगर पूछा गया PRINT तो P के बाद Q होगा, Q से स्टार्ट बस एक ही है, QPLJY, आंसर अब कहीं करो ही नहीं ना, आंसर D हो गया ना तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले प्रश्न में आइए, उससे पहले ये देखिए, रोज सुबह 9 से 10 आपके लिए फ्री सेशन हम लेके आते हैं, इसके लिए आप जाइएगा, आप बस फॉलो कर लीजिए हितेश मिश्रा, सर्च कर लीजिएगा हितेश मिश्रा, मेरा नाम है हितेश मिश्रा, सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा, और आगे जितनी क्लासेस हैं उसमें नोटिफाई मी पर क्लिक कर दीजिएगा। कल भी क्लासेस आपकी होंगी 8 से 9 जीके और 9 से 10 रीजनिंग, साथ में आपका 12 से 1 हम पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर क्लॉक पेड बैच में। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ डियर क्या लग रहा है, ये जो है इसका आंसर बताइए जरा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, नहीं गुजराती नहीं आता बाबू, बंगला आता है थोड़ा थोड़ा बस, और वही हमने बोल दिया, वही हमने बोल दिया। बिल्कुल, जब तक सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक हर क्लास मिलेगा आपको, PDF आपको इस क्लास का मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, रीजनिंग बाय हितेश सर, PDF इस क्लास का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, रीजनिंग बाय हितेश सर। सकीना बानो, अबाउट 12 क्वेश्चन हैज बीन डन, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन विल बी डन, बट बच्चे बहुत कम हो रहे हैं तो देखते हैं कितना करते हैं। और तो यहां पर हुआ क्या, जैसे लिक्विडेटिव है या उससे पहले फाइनेंशियल है, FINANCIAL, तो आप क्या देख रहे हैं, ये 6, ये 9, ये 14, ये 1, ये 14, ये 3, ये 9, ये 1, ये 12, तो ये 6 को 6 लिखा, 9, फिर 4, 1, 5, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3, तो 6, 5, 6, 9, 5, 1, 5, 3, 9, 1, 3। तो उसी प्रकार लिक्विडेटिव की अगर हम बात करें, LUCA CRA LUCRATIV, तो लिक्विडेटिव का कैसे हो जाएगा, ये 12 है, ये 21 है, ये 3 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 22 है, ये 5 है, तो 3, 4, 3, 9, 1, 2, 9, 4 और 5, तो 3, 4, 3, 9, 1, 2, 4, 2, 9, 4, 5, तो आपका आंसर सी के साथ चला गया, सी जो है डियर फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर है,
सी जो है ये आपका राइट आंसर है। क्लियर डियर फरहीन शेख, ये तो बस क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगर कॉन्सेप्ट सीखना है, अगर आपको लगता है कि हमें जीवन में कुछ करना है, हमें SSC क्वालिफाई करना है, तो एक बार पेड बैच में आइए, वहां पर सारे गुनी फैकल्टी का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर, GS सब शुरू है। जितने भी लोग हैं यहाँ के सब मिलेंगे आपको, सबकी क्लासेस मिलेंगी। और ये कैसे मिलेगा, जब आप अनअकैडमी पर हितेश मंजीरो लगा के आएंगे। 3 महीने का मात्र 2700 है, 6 महीने का मात्र 4320 है, 12 महीने का 5400 रुपया है, और 2 साल का 6680 रुपया है। ये आपका नॉमिनल फीस है। इसमें आइए जरा, इसमें आइए, इसका आंसर बताइए क्या लग रहा है। ये जो है इसका आंसर बताइए क्या लग रहा है। What do you think is the right answer for this? ध्यान से और आराम से इसका जरा आंसर बताएं डियर, क्या लग रहा है। डी होगा, कैसे? अच्छा 2-1-3 है ये, 2-1-3 है, मैंने 4 कर दिया, 2-1-3 है, मैंने 4 कर दिया, परफेक्ट। यू का 2-1-3 है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। बच्चे अचानक से 350 से 100 पे पहुंच गए, क्या बात है, कहां चले गए सब, कहां चले गए सब, कुछ दिक्कत आ गई क्या? कहाँ चले गए सब? विश्वजीत भूल, आवाज से नाम से पता चल जा रहा है। एक साथ इतने बच्चे डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं तो। 400 से सीधे 200 पे कैसे आ गए बच्चे? ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है आपको। यहां पर अगर हम देखें HEALTJ, इसको लिखा है इसने IDBKUI, तो हम क्या देख रहे हैं, HIDABKLTU फिर HI UJ है ना, तो IJ, तो यहां पर वही हो जाएगा। वॉकिंग का अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, WXZA LM, तो ये खत्म, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, JK है ना, तो ये भी खत्म, फिर IJ, फिर यहां से नीचे से ऊपर जाएंगे हम MN, तो ये Y, यहां पर ये वाला तो ऐसे ही खत्म है, तो A आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चीजें चकाचक हैं। इसको देखिए जरा सा, ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बताएं, ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डियर, जरा इसका आंसर बताओ बाबू क्या लग रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, इसका जरा आंसर बताएं आप, लग क्या रहा है आपको। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर सर सी हो जाना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, डायग्राम DIAGRAM, इसको लिखा जा रहा है AFXDOXZ, J सॉरी,
ए बी सी डी, यहाँ पर 6 3 9 इससे भी ठीक है, और यहाँ पर ये डी है तो 4 3 7 15 3 18 24 3 27 10 3 13। तो पिक्चर की अगर हम बात करें पी आई सी टी यू आर ई तो क्या हो जाएगा, ये 13 3 16 ये ख़त्म और ये ख़त्म ठीक है, और ये 6 3 9 तो ये भी ख़त्म, तो आंसर सी के साथ चला गया, सी फोर कैट आपका राइट आंसर हो गया। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं मैं बता दूँ, नया बैच स्टार्ट हो चुका है सारे सब्जेक्ट का, नमन सर का मैथ, साहिल सर का मैथ, जीके जो है अंकित सर का या रोहित सर का, इंग्लिश जो है हर सर का पढ़ लो या आकांक्षा मैम का या संदीप सर का, रीजनिंग मेरा पढ़ लो या किसी भी फैकल्टी का, बैच स्टार्ट हो चुका है, हितेश मंजिल लगा के जुड़ जाओ। कोई भी क्वेरी हो तो मेरा नंबर नोट कर लो 8804815515, 8804815515, उस पर जुड़ जाना और आप पूछ लेना कि सर ये क्लास लेना है कैसे ज्वाइन करें, इसका आंसर बताओ डियर क्या लग रहा है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं जरा इसका आंसर एक बार बता दीजिए, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस, ध्यान से और आराम से इसका राइट आंसर बता दें डियर क्या लग रहा है। बहुत शानदार जा रहे हैं आप लोग, बहुत ही जबरदस्त जा रहे हैं आप लोग, तो बताएं जरा क्या लग रहा है आपको। फ्री क्लास में सुबह पर पढ़ाता हूं, सुबह में 8 से 10, 8 से 9 जीके, 9 से 10 रीजनिंग, तो सुबह में हितेश मिश्रा सर्च करके आप जुड़ जाएं। गॉड का कोड क्या होगा यही तो पूछा गया ना, तो यहां पर कैसे निकालेंगे आप गॉड का कोड, आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर है 329, इसको लिखा गया क्या गॉड एज लव, 927 इसको लिखा गया लव एज ब्यूटीफुल, तो ये लव एज कैंसिल हो गया, इसमें 9 2 9 2 कैंसिल हो गया, तो गॉड का कोड क्या हो गया 3, तो 3 आपका राइट आंसर है। इसको देखिए जरा सा डिस्टेंस का कोड पूछा गया है, इसको देखिए जरा सा डिस्टेंस का कोड पूछा गया है, सारे बच्चे रुके रहें, सारे बच्चे अंत तक देखते रहें, इधर उधर नहीं जाइए, इधर उधर कोई नहीं जाइए, क्लास देखते रहिए अंत तक, ठीक है, क्लास जो है अंत तक देखते रहिए। बोला जा रहा है कार्निवल, CARNIVAL, इसको क्या लिख रहे हैं WYHLQDYN, पूछा जा रहा है डिस्टेंस का कोड क्या होगा, डिस्टेंस का कोड क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपको। थैंक यू आशीष कुमार जी, तो जल्दी ज्वाइन करो अनअकैडमी पर हितेश बंजीरो लगा के, आज के आज, देरी नहीं करो बिल्कुल भी, आज के आज जुड़ जाओ। प्रीति जी बहुत क्वेश्चंस हैं, आप जब तक थकेंगे नहीं तब तक क्लास खत्म करेंगे नहीं, और सारे वीडियो के लिंक और PDF आपको कहाँ मिलने वाले हैं, रीजनिंग बाय हितेश सर टेलीग्राम में, रीजनिंग बाय हितेश सर टेलीग्राम में। तो यहाँ पर गौर करो 23 3 26 25 1 26 18 और 8 26 14 12 26 17 9 26 ये जोड़कर 26 हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी वही होगा 22 4 26 ठीक है, 17 और 9 26 तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, उसके बाद यहाँ पर 19 और 7 26 तो वी क्यू जी होगा, चलो दोनों में है, फिर F दोनों में है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर Y है, हाँ तो क्या हो जाएगा फिर 25 1 26 तो यहाँ Y होना चाहिए, तो ये भी ख़त्म, तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा, B फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है डियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार। डिसाइड का कोड पूछा जा रहा है, डिसाइड का देखो मैं YouTube पर जो क्लास लेता हूँ वो सुनो, 1:30 से 2 बजे तक NTPC और ग्रुप डी की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे आपको हम 6 PM पर पढ़ाते हैं SSC के लिए, चाहे जो भी टारगेट हो, ये मंडे टू फ्राइडे
तो 6 PM पर जो सैटरडे संडे है, सैटरडे एंड संडे, ये आपका क्लास होता है 1 घंटे का। सैटरडे संडे को 1 घंटे की क्लास होती है। कल जो है संडे को हम नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं 6 से 7, तो कल भी आपको आना है, कल भी आपको आना है। अन अकेडमी की बात करें, अन अकेडमी पर हम सुबह में 8 से 10 आपको पढ़ाते हैं, तो जाकर एक बार आप सर्च कर लें, फॉलो कर लें हितेश मिश्रा, जाकर एक बार आप सर्च कर लें और फॉलो कर लें हितेश मिश्रा, ठीक है, सर्च कर लें और फॉलो कर लें हितेश मिश्रा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर जो वॉवेल है, जैसे 5, 5 और 15, 15 और 10, 25 हो गया, 9, 5, 14 हो गया, ये 5, ये 9 और ये 5, तो 10, 9, 19 हो गया, आपका जो आंसर है ये 19 के साथ चला गया। इसको देखें जरा सा, ये जो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, इसका जरा आंसर बताइएगा क्या लग रहा है आपको। सारे बच्चे अंत तक क्लास को देखें और लाइक जरूर करें, सारे बच्चे अंत तक क्लास को देखें और लाइक जो है वो जरूर करें। थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर बताएं क्या होगा। कल भी क्लास होगी और नंबर सीरीज की क्लास होगी, तैयार रहना जबरदस्त टॉप क्लास क्वेश्चन के लिए। और सुबह में 8 से 10 रीजनिंग की क्लास और जीके की क्लास होगी अन अकेडमी पर। जीके करंट अफेयर 8 से 9 और 9 से 10 रीजनिंग की क्लास होगी अन अकेडमी पर, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा धुआंधार क्लास के लिए। तो ए आपका राइट आंसर है, क्योंकि आप देख रहे हैं एन का कोड 8 है, एन का कोड 8 है, एन से स्टार्ट कोई हुआ ही नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। बहुत शानदार। इसमें देखिए डेंजरस का कोड पूछा जा रहा है, इसमें डेंजरस का कोड पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, डेंजरस का कोड पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, 2, 4, 5, 9 में बताइए डेंजरस का कोड क्या हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। इसका जरा आंसर बताओ ब्रदर, क्या लग रहा है। तरुण शर्मा जी, डायरेक्शन स्टार्ट हो रहा है अकेडमी पर, न्यू जो फ्रेश बैच हुआ है उसमें आज के आज जुड़ जाएं हितेश 10 लगा के, नीचे आप जो कोड देख रहे हैं, ताकि आपको सारा का सारा क्लास वहां पर दिख जाए। ठीक है, आज सुबह 8 बजे हो गया था और कल सुबह 8 बजे होगा, इसका जो आंसर है वो 9 हो जाएगा। क्यों, डेंजरस का कोड पूछा जा रहा है, दे आर, आर इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, 4। और दे की अगर बात करें तो दे जो है ऐसे देख लेते हैं, डेंजरस यहां पर ऐसे देख लेते हैं, यहां पर आर जो है या यू अगर हमको, तो इसमें से क्या हटाना है, दे, दे इसमें भी है, दे इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन पहले देख लो क्या है, इन दोनों में कॉमन पहले देख लो क्या है, इन दोनों में कॉमन 5 है, फिर आर जो है इसमें भी है, ठीक है, और आर कॉमन इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर 2, तो डेंजरस का कोड क्या हो जाएगा, 9। इसको देखिए जरा सा, ऑफ का कोड पूछा जा रहा है, ऑफ का कोड आप कैसे निकालेंगे, इसका आंसर बताओ डियर क्या लग रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऑफ का कोड पूछा जा रहा है, कैसे निकालोगे, क्या लग रहा है आपको, ऑफ का कोड क्या हो जाएगा।
इसको होमवर्क रख लो, होमवर्क में आंसर देना, इसको बताओ। ये जो है इसका आंसर बताओ क्या लग रहा है। तो सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि जाने लगे। अच्छा बच्चे आंसर कर भी दिए क्या पिछला क्वेश्चन का? एफओडी, एफओडी आंसर कर भी दिए क्या पिछले क्वेश्चन का बच्चों ने? अच्छा यहां पर है जैसे हिट का टॉम, इसको लिखा टाई द सू, यहां पर लिखा कालो फोर्ड, इसको लिखा सू ऑफ लेदर, उसके बाद है लो टिन लॉट, इसको लिखा लेदर एंड रैक्सिन। तो लेदर लेदर कैंसिल हो गया, इन दोनों में कैंसिल क्या हो जाएगा? एलो एलो, फिर के इनमें कैंसिल, तो सू सू कैंसिल हो जाएगा, ऑफ का कोड एफओडी आ गया। चलो ठीक है, तो होमवर्क हटा देते हैं इसको, होमवर्क क्या रखें फिर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? देखो मोशन, एम ओ टी आई ओ एन, और इसको है डब्ल्यू आर पी एस टी एन। तो यहां देखो 13 3 16 20 3 23 15 3 18, यहां पर 9 5 14 14 5 19, तो ये प्लस 5 हो जा रहा है, यहां प्लस 3, तो सेम टू सेम इसमें भी होगा 1 3 4, डी से स्टार्ट बस यही है, तो डी के एफ जे एल एस है ना, डी के एफ जे एल एस आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है डियर? कोई दिक्कत नहीं है? जरा इसको देखिए, ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है आपको? सारे बच्चे अंत तक देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, सारे जो बच्चे हैं वो अंत तक क्लास को देखें, तभी आपको समझ में आएगी चीजें, और नहीं तो फिर आप अगर आते जाते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बाबू, आते जाते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसका आंसर आप बी कह रहे हो, कैसे? बायोलॉजी, इसको लिखा वाई आर एल ओ एल टी बी, तो ये अपोजिट है एक दूसरे के, बी वाई आई आर ओ एल एल ओ ओ एल जी टी और बी वाई। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, पी एच वाई एस आई सी एस, तो पी के एच का क्या हो जाएगा? एस, तो के बाद एस चाहिए, बी वाई ये भी खत्म, एस का एच, आई का आर चाहिए, ये भी खत्म, तो फिर आपका जो आंसर है बी के साथ चला गया, बी फॉर बॉम्बे है ना। जरा इसको देखिए, कंटेन का कोड पूछा जा रहा है, इसमें आपको कंटेन का कोड पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे आप कंटेन का कोड कैसे निकालेंगे आप? तो जरा ध्यान से आंसर बताओ, देखो काफी बच्चे रुके और काफी बच्चे चले गए, तो जो बच्चे मैदान में रुकेंगे ही नहीं, तो आप जब अंत तक टिकेंगे ही नहीं तो कैसे आपका काम होगा? आपको तो मैदान में टिकना पड़ेगा, आपको अंत तक रहना पड़ेगा, आप आते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे में तो मजा नहीं आएगा बाबू। यहां पर कंटेन की कोड हो रही है बात, इसमें देखो चिप्स, इसमें देखो चिप्स, इन दोनों में क्या कॉमन है? पी यू आर। फिर यहां मेटल की बात कर रहे हैं हम और कंटेन की बात कर रहे हैं, तो दोनों का कहीं कुछ नहीं है, तो एस टी और एमओ कुछ भी हो सकता है, एस टी और एमओ कुछ भी हो सकता है। इसको देखें जरा सा, ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है, इस प्रश्न का आंसर आपको क्या लग रहा है? ध्यान से और आराम से आंसर दें डियर, पसंद आ रहा हो तो अंगूठे का इस्तेमाल करके लाइक भी कर लें, और कल 6 बजे संडे 6 PM नंबर सीरीज के लिए जरूर आइएगा मेन चैनल पे, ठीक है, यहीं पर, और अनअकैडमी पर 8 से 10 आपको आना है, 8 से 9 आपको आना है जीके के लिए करंट अफेयर के लिए, और 9 से 10 आपको आना है रीजनिंग के लिए। तो ये 2 क्लास अनअकैडमी पर फ्री है, जाके सर्च कर लीजिए हितेश मिश्रा और फॉलो कर लीजिए। रेन की बात करें, आर ए आई एन,
रहना बीत जाए, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें क्यू आर बी ए एच आई और ये एनओ हो जा रहा है, यही तो समर की बात करें, अगर समर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आर और एस है तो ये खत्म, ये खत्म। तो अगला क्या होगा, फिर अगला क्या होगा ये समझना पड़ेगा आपको। एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो ई से डी हो जाएगा, फिर एम से एन होगा, एम से एल होगा, फिर यू से वी होगा और एस से आर होगा। तो आपका आंसर डी के साथ चला गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और जो बच्चे अभी तक ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लीजिएगा, 7 मिनट ट्रिक, साथ में आप लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी भाई बहन पढ़ता है सीबीएसई में तो उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं 99 रुपये में 1 महीने के लिए पढ़ाई, हितेश 10 लगा के 1 महीने की पढ़ाई गिफ्ट कर सकते हैं 99 रुपये में। ध्यान रखिए कि आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट हो चुका है डियर, और कंप्लीट जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आपका इंग्लिश 4 तारीख से, मैथ्स 7 तारीख से, रीजनिंग 8 तारीख से और जीके 11 से आ रहा है। साथ में हम एक और बैच ला रहे हैं रीजनिंग का 15 तारीख से। तो ये सारा फायदा आपको हितेश वंजीरो के साथ मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस क्लास, सभी क्लास का PDF, एनोटेशन का मतलब होता है जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसके साथ आंसर मिलेगा। डेली प्रैक्टिस होगा पोल के साथ, स्पीड टेस्ट होता है, हर आपका सप्ताह में वीकली टेस्ट होता है, ठीक है। स्पेशल फोकस आपके डाउट पर होता है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करवाते हैं, डिस्कशन होता है प्रीवियस ईयर पेपर का, ये सारा तो होगा ही होगा। आप इन सब चीज के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, हितेश मिश्रा मेरा नाम है, आप हमें फॉलो कर लीजिए। अब बात आती है कि सर जुड़े कैसे, सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, ओपन करें, गोल SSC सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दें। जब आप सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे बोलेगा कितने महीने के लिए जुड़ना है, 1 महीने का फीस अगर आप हितेश वंजीरो लगाते हैं तो 1 महीने का फीस 1080 है, 3 महीने का फीस 2700 है, 6 महीने का फीस 4320 है, 12 महीने का 5400 है, 24 महीने का 6480 है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कितने दिनों के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, क्योंकि आपको प्री भी पढ़ना है, मेन भी पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो 1 साल या 2 साल ही फायदेमंद होगा, सारा सब्जेक्ट आप यहां पर पढ़ पाएंगे। ध्यान रखना है कि अगर आप रेलवे के बच्चे हैं, रेलवे वाले तैयारी कर रहे हैं, तो 6 महीने का 3600 है और 12 महीने का 4500 है। यहां भी मेरा बैच चल रहा है NTPC और ग्रुप डी वालों के लिए, NTPC और ग्रुप डी वालों के लिए यहां भी बैच चल रहा है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, UPI, कैसे भी। अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, HDFC का, तो HDFC के कार्ड के साथ आप EMI भी ले सकते हैं, EMI भी ले सकते हैं। सारा फायदा आपको यहां पर दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, जैसे आप दिख रहा है कंप्लीट कोर्स PDF के साथ, वीकली टेस्ट, डाउट हर 3 क्लास के बाद, 1-to-1 इंटरेक्शन, 1 घंटे की डेली क्लास, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, GS, टेक्निकल, GK, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारा चीज, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको कैसे मिल रहा है, हितेश वंजीरो रेफरल कोड लगा के। ये सब कुछ कैसे मिल रहा है, हितेश वंजीरो रेफरल कोड लगा के, ठीक है डियर। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, रीजनिंग बाय हितेश सर। अगर और भी आपको जल्दी जानना है कि भाई जल्दी एडमिशन लेना है तो आप हमारा व्हाट्सएप कर सकते हैं 8804-815-515, 8804-815-515, उस पर हम आपको ये बता देंगे कि आप कैसे जुड़ना है, ठीक है डियर। बाकी सारे वीडियो के लिंक और PDF आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। इनमें से आपका कोई भी सपना हो तो हितेश वंजीरो लगा के आप जुड़िए, आपको किसी भी कीमत पर आराम से सारे में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको हमारे तक पहुंचना कैसे है। सबसे पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर भर के लॉग इन करें, गोल सेलेक्ट कर लें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लें, जितने महीने का लेना है वो सेलेक्ट कर लें, जहां पर एंटर करना है रेफरल कोड वहां हितेश वंजीरो लगा दें और लास्ट में पेमेंट कर दें, ठीक है। और डेली हम अनअकैडमी पर फ्री सेशन लेते हैं, तो कल भी फ्री है 8 से 10, जिसमें 8 से 9 GK और 9 से 10 हम रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। तो हमें फॉलो कर लीजिए फौरन जाके, हितेश मिश्रा सर्च करके, हितेश मिश्रा
सर्च करके, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें। कल भी क्लास होगी 6 बजे नंबर सीरीज की। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।